दोस्तों ये रही यामाहा R15 V4 का एक कम्प्लीटली न्यू कलर। इसका नाम है इंटेंसिटी वाइट। यामाहा R15 V4 में पहले 3 कलर्स ऑप्शन मिलते थे, जो कि थे मेटलिक रेड, रेसिंग ब्लू एंड डार्क नाइट। लेकिन यामाहा कंपनी ने 2023 में ये न्यू कलर इंटेंसिटी वाइट को लॉन्च किया है। तो अब R15 V4 में आपको टोटल 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑन रोड प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो 2,15,000 रुपये के आसपास आपको इसमें ऑन रोड प्राइस देने को मिलता है। लेकिन ये स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है, और इवन डीलर टू डीलर भी वेरी करता है। तो आप अपना क्लोजेस्ट शोरूम जाके प्राइस पता कर सकते हो। ये बाइक बहुत ही खूबसूरत दिखता है सामने से, शायद ही कैमरा आपको जस्टिफाई कर रहा होगा, इसलिए मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर देता हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो। माइलेज की बात की जाए तो 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 140 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ये बाइक इजीली अचीव कर सकती है। ये ARAI रजिस्टर्ड माइलेज है, तो रियल में शायद ही आपको इतना देगी। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, पोजीशनिंग लाइट, साइड स्टैंड इंजन कटअप, डुअल टोन, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट टाइमिंग लाइट, VVA इंडिकेटर जैसा बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलता ही है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो फ्रंट में आपको 2 DRLs और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प फ्रंट में देखने को मिलता है, जैसे कि पहले वाले मॉडल में भी देखने को मिलता था। और सस्पेंशन की बात की जाए तो USD4 का आपको मिल जाता है गोल्डन कलर में। और आपको यहाँ पे कोई LED इंडिकेटर्स नहीं मिलता, आपको नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स से ही काम चलाना पड़ेगा। बॉडी कलर पे मटका देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शाइनी और अट्रैक्टिव लगता है दूर से। यामाहा का स्टिकर हुआ यहाँ पे। फ्रंट टायर की बात की जाए तो 100x80 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है आपको, 17 inch का डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और ये अलॉय व्हील्स आपको दूसरे अलॉय व्हील्स से थोड़ा सा ज़्यादा आई कैची KTM की तरह यहाँ पे यामाहा ने कोशिश की है कुछ करने के लिए। यहाँ पे ऑरेंज कलर पे आप लोगों को देखने को मिलता है। 282mm का फ्रंट डिस्क मिलता है विथ ABS। इसमें आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। R15 V4.0 का बैजिंग देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि स्टिकर वर्क में है। तो अब चलिए बाइक का मीटर ऑन करके थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऑल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको TCS मिलता है, मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया शुरू से। कुछ बेसिक सा कंट्रोल्स इस बाइक में, जैसे कि हर स्पोर्ट्स बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको हैजार्ड भी देखने को मिलता है। 11 liter का फुल टाइम मिलता है ग्लॉस वाइट फिनिश में। थोड़ा सा रियर सेक्शन में आए तो VVA वेरिएबल वेब एक्चुएशन का यहाँ पे स्टिकर वर्क, और टेल लैम्प आपको फुल डिजिटल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते एग्जॉस्ट और रियर टायर की ओर, यहाँ पे आपको 140x70 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, 17 inch का डायमंड कट एलॉय व्हील्स ऑरेंज कलर में। रियर टायर अगर आपको प्रोवाइड करता है कंपनी। 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। डुअल चैनल ABS आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें बाइक का पूरा व्यू आपको यहाँ से एक बार दे देता हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब बाइक का हार्ट यानी कि इंजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए, इसमें आपको 155cc 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOHC BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है, जिसका मैक्स पावर आउटपुट है 18.4 PS एंड मैक्स टॉर्क आउटपुट है 14.2 Nm। सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई किक स्टार्टर नहीं मिलता। 6-speed गियरबॉक्स यानी कि 6 gears आपको इस बाइक में मिल जाता है। और ये रहे बाइक का ब्रॉड विंडशील्ड, फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स। यहाँ पे आपको 360 लुक एक बार दे देता हूँ बाइक का, सो आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो चलिए इसका फाइनल चेस्ट यानी कि एग्जॉस्ट नोट एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर आप बताओ इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट और ये बाइक ओवरऑल आपको कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से जल्दी एग्जॉस्ट को ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट कौन सा बाइक का वो वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।